नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज नेशनल और आपके साथ मैं हूं गौरव सिंह। अगर आप दिल्ली में रहते हैं और आप भी मालिश कराने के शौकीन हैं तो ये खबर आपके लिए एक अच्छी खबर हो सकती है, क्योंकि आज दिल्ली में हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। इसके तहत एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है कि अब आप दिल्ली में क्रॉस जेंडर मसाज भी करा सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि क्रॉस जेंडर मसाज आखिर है क्या, और उसके बाद किस वजह से क्रॉस जेंडर मसाज पर रोक लगा दी गई थी, और आखिर रोक लगाने के पीछे वजह क्या थी, और अब हाई कोर्ट ने अगर इस रोक पर स्टे लिया है तो क्या कुछ कहा है। ये पूरी चीज हम आपको सुनाएंगे इस अगले 2 या 3 मिनट में। ये वीडियो इसलिए पूरा देख लें। दरअसल क्रॉस जेंडर मसाज होती है जब हम अपने अपोजिट जेंडर से मसाज कराते हैं। जैसे लड़के, कई बार आपने देखा होगा कि जो मसाज पार्लर्स होते हैं, जो स्पा सेंटर्स होते हैं, या फिर जो वेलनेस सेंटर्स होते हैं, वहां पर लड़कियां मसाज करती हैं। उसमें कोई भी जा सकता है, बेशक उसमें लड़कियां जाएं, बेशक से उसमें लड़के जाएं, एक तरह से यूनिसेक्सुअल होते हैं वो। इसी तरीके से कई स्पा सेंटर्स में लड़के मालिश करते हैं, तो उसे कहते हैं हम ऑपोजिट या फिर क्रॉस जेंडर मसाज, जैसे लड़के से लड़की की मसाज या फिर लड़की से लड़के की मसाज। खैर, दिल्ली पुलिस ने कुछ दिन पहले एक निर्णय लिया था जिसमें कहा गया था कि अब हम क्रॉस जेंडर मसाज को पूर्णतः प्रतिबंध इस पर लगाते हैं, क्योंकि उनका कहना यह था कि इससे दिल्ली में वेश्यावृत्ति बढ़ रही है, इससे अवैध स्पा सेंटर्स खुल रहे हैं, जो स्पा सेंटर्स की आड़ में, वेलनेस सेंटर्स की आड़ में वेश्यावृत्ति को बढ़ावा दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं इसमें ट्रैफिकिंग हो रही है। बाहर के राज्यों से छोटी छोटी कम उम्र की नाबालिग लड़कियां लाई जाती हैं, उन्हें स्पा सेंटर्स में धकेल दिया जाता है कि यहां पर वो मसाज करें, लेकिन उसकी आड़ में कहीं ना कहीं वेश्यावृत्ति को अंजाम दिया जाता है। और कहीं तक कई वजहों से ये बात सही भी थी, क्योंकि दिल्ली में करीब, कोर्ट का भी ये मानना है कि 5000 स्पा सेंटर्स हैं, जबकि लाइसेंस सिर्फ 400 के पास है। अब सोचिए कितने बड़े पैमाने पर अवैध स्पा सेंटर्स चलाए जा रहे थे। अब आज हाई कोर्ट ने ये कह दिया है कि दिल्ली पुलिस को ये आदेश जारी किया है कि दिल्ली पुलिस अपने अपने एरिया में, दिल्ली को 3 जोन में जाए, और हर जोन की पुलिस अलग अलग एरियाज में जाए और अवैध स्पा सेंटर्स पर रोक लगाए। उससे क्या होगा, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, जो कहीं ना कहीं गलत काम किए जा रहे हैं स्पा सेंटर्स की आड़ में, एक तो वो रुकेंगे, और दूसरा हाईकोर्ट ने ये भी कहा है कि ये वैश्यावृत्ति को, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने का कोई नियम नहीं है, ऐसा ये कोई समाधान नहीं है, ये कोई सोल्यूशन नहीं है कि ऐसा करने से आप वैश्यावृत्ति को या ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोक पाएंगे। यानी क्रॉस जेंडर मसाज जो है वो चलती रहेगी, बशर्ते कि दिल्ली में जितने भी लाइसेंसधारी स्पा सेंटर्स हैं, जिनके पास अपना लाइसेंस है, और जो वाकई में ही स्पा सेंटर्स में मसाज को ही अंजाम देते हैं, उसके अलावा जो गलत गतिविधियां चलती हैं पर्दे के पीछे, वो सब नहीं चले। तो अगर बिल्कुल ट्रू एंड फेयर तरीके से सब चीज़ें होती हैं तो उसमें कोर्ट को फिलहाल कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि अब कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि स्पा सेंटर्स भी चलेंगे, और बशर्ते कि अवैध स्पा सेंटर नहीं चलेंगे। स्पा सेंटर जरूर चलेंगे, और वहां पर जो मसाज थेरेपी होती है वो भी चलेगी, और क्रॉस जेंडर मसाज भी चलेगा। तो दोस्तों, एक तरीके से जिन लोगों के पास, जिनके घर इनसे जुड़े हुए हैं, जो लोग मसाज सेंटर्स पे काम करते हैं, या जिनके घर की आर्थिक व्यवस्था मसाज सेंटर्स पे टिकी हुई है, उनके लिए एक राहत भरी खबर है, या फिर जो लोग क्रॉस जेंडर मसाज के शौकीन हैं उनके लिए भी एक राहत भरी खबर है। और कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस को अब एक तहकीकात करनी होगी, उन्हें दिल्ली की गलियों में जाना होगा, तफ्तीश देनी होगी, और देखना होगा कि आखिर कौन से ऐसे अड्डे हैं जहां पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, या फिर गलत तरीके से मसाज होती है, या फिर मसाज की आड़ में गलत काम होते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की खबर कोर्ट से जुड़ी हुई। आपको ये वीडियो कैसा लगा, या फिर इस पर आप क्या कहना चाहते हैं, वो हमें फटाफट फौरन लिख भेजिए। इसके अलावा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारा चैनल इंडिया न्यूज़ नेशनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।